गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। ये लेक्चर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बीडीए स्टूडेंट के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं वो स्क्रीन पर है। शॉर्ट नोट डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन में इसमें जो की वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इट कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रेयर सीवियर रैपिड प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ पेरिडोंटाइटिस कैरेक्टराइज बाय अर्ली एज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डिस्टिंक्ट टेंडेंसी फॉर केसेस टू एग्रीगेट इन द फैमिली। तो आपको याद रखना है कि ये एक रेयर डिजीज है जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है और बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज है। बहुत रैपिडली जल्दी प्रोग्रेस करती है और बहुत ही अर्ली एज यानी बहुत ही कम एज में ये देखने को मिलती है पेशेंट में, यानी जो पेशेंट है बहुत यंग एज वाले पेशेंट में ये देखी जाती है। और ये एग्रीगेट इन फैमिली यानी कि ये फैमिली में रन करती है, यानी कि ये इस डिजीज़ का जेनेटिक बेसिस है, इसीलिए ये एक फैमिली में ही रन करती है। तो इससे जुड़ी हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं। 1923 में इसको नाम दिया गया था डिफ्यूज एट्रोफी ऑफ एल्वियोलर बोन और फिर 1928 में इसका नाम रख दिया गया डीप सीमेंटोपेथिया। उसके बाद इसका नाम रखा गया पेरिडोंटाइटिस मार्जिनालिस प्रोग्रेसिवा और बाद में इसका नाम रखा गया जुवेनाइल पेरिडोंटाइटिस और अब जो इसका नाम है वो है एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। तो ध्यान रखने की बात ये है कि जुवेनाइल पेरिडोंटाइटिस एक पुरानी टर्मिनोलॉजी है जो अब बिल्कुल यूज नहीं होती है। रीसेंट टर्मिनोलॉजी इज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे? डिस्ट्रोलेबियल माइग्रेशन ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर, क्योंकि डिजीज बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा टिश्यूज का, तो जब पेरिडोंटल स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होगा, बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, तो टीथ मोबाइल हो जाएंगे। तो क्लिनिकल फीचर होंगे मोबिलिटी ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजर्स एंड मोलर, क्योंकि ये इंसाइजर्स और मोलर को अफेक्ट करती है। मोबिलिटी होने से जो हमारे मैक्सिलरी इंसाइजर हैं वो डिस्टोलेबियल माइग्रेट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, जिससे कि डायस्टेमा बन जाएगा और ये जो रूट एक्सपोज हो गई है इसमें सेंसिटिविटी हो जाएगी और इस पेशेंट को डीप डल रेडिएटिंग पेन रहेगा खाना खाने के दौरान। पेरिडोंटल एब्सेस भी बन सकते हैं। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग क्या होगी? वर्टिकल बोन लॉस का पैटर्न दिखेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, यानी कि एक इस तरह से कप शेप डिफेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से डिफेक्ट नहीं होगा। और ये जो आर्क शेप पैटर्न ऑफ बोन लॉस है ये प्रीमोलर के डिस्टल से शुरू होगा और सेकेंड मोलर के मीजियल तक जाएगा और जैसा राइट हैंड साइड पे जैसा डिफेक्ट दिखेगा वही ओपीजी में जैसा हमें दिखेगा वही हमें सेम लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखेगा। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे मिरर इमेज, जैसे शीशे में देखते हैं हम, तो जहाँ ये जो दिखेगा वो ऑपोजिट साइड भी दिखेगा, इसीलिए इसको मिरर इमेज कहते हैं। लैंग के हिसाब से इसमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं जो कि मैंडेटरी है होना डिजीज अगर है तो एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। तो फर्स्ट इस पेशेंट इज क्लिनिकली हेल्दी, तो पेशेंट होगा वो क्लिनिकली हेल्दी होगा, रैपिड अटैचमेंट लॉस और बोन डिस्ट्रक्शन होगा। और जो ये जो डिजीज है जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट को किसी ना किसी और रिश्तेदार को ये डिजीज ऐसे ही सिम्टम होंगे, जैसे कि बहुत जल्दी उसके दांत गिर गए थे और बहुत ज़्यादा मोबिलिटी दांतों में, तो सेम पेशेंट के किसी रिश्तेदार को ऐसी हिस्ट्री होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये डिजीज़ उसकी फैमिली में रन करती है। सेकेंडरी फीचर लैंग के हिसाब से जो देखे जाएंगे वो हर पेशेंट में नहीं होंगे, इसमें से कुछ फीचर ही होंगे, सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो उसमें सबसे पहला है अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल डिपॉजिट आर इनकंसिस्टेंट। तो उसमें क्या फीचर है कि जो प्लाक है इतनी मोबिलिटी होगी पेशेंट के दांतों में, उसके बाद भी जो प्लाक होगा वो बेयर मिनिमम बहुत ही कम प्लाक होगा। और अब कम प्लाक है फिर भी इतनी मोबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का बहुत ही एग्रेसिव टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रीगेटी बैक्टर एक्टिनोमाइसिटम कॉमिटम या फिर पोरफायरोमोना जिंजिवेलिस, जो इतनी ज्यादा सीवियर डिजीज कर रहा है इतने कम प्लाक होने में भी, या फिर उसमें जो हमारे इम्यून सेल है उसमें कुछ डिफेक्ट है,
जैसे कि फेगोसाइटिक एबनॉर्मलिटी, जिस वजह से वो बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफाज भी हो सकते हैं। हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफाज होंगे तो वो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे, जिससे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और ज़्यादा टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा। प्रोग्रेशन ऑफ अटैचमेंट लॉस एंड बोन लॉस में भी सेल्फ अरेस्टिंग एंड लोकलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस, कुछ टाइम के बाद ये डिजीज़ एकदम सेल्फ अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। नाउ ये व्हाट इज पेरिडोंटाइटिस? पेरिडोंटाइटिस बेसिकली, जब हम क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस की बात करते हैं या एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक साइड बैक्टीरिया होता है और दूसरी तरफ हमारे इम्यून सेल होते हैं, और एक एक लड़ाई की तरह होता है ये, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। और अगर बैक्टीरिया जीत जाता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, पेरिडोंटाइटिस होती है, लेकिन अगर हमारे इम्यून सेल जीत जाते हैं तो ये बैक्टीरिया किल हो जाता है, या इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, दैट मीन्स डिजीज अरेस्ट हो जाती है। तो अब ये जो न्यूट्रोफिल हैं या जो हमारे फेगोसाइटिक सेल हैं, तो वो कैसे बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं? जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो इम्यून सेल क्या करते हैं, उसको फेगोसाइटाइज करते हैं, यानी कि एक सिंपल तरीके से, यानी वो खा जाते हैं, और उसको उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। एंड इट इज़ द प्राइमरी मेथड टू रिमूव द इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड किलिंग द बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि जब फेगोसाइटिक सेल है वो ऐसे ही जो बैक्टीरिया को नहीं खा सकता है, वो खाने से पहले उसको उसमें सॉस, जैसे कि मैंने डायग्रामेटिक बनाया है कि आपको याद रहे, वो पहले सॉस लगाता है। तो क्या है वो सॉस? वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। अनटिल अनलेस बैक्टीरिया इज कोटेड विद इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको इम्यून सेल नहीं खा सकता। तो जब अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे ही उस पर कोट होगा, तुरंत उसको बैक्टीरिया को वो एनगल्फ कर लेगा, उसको किल कर दिया जाएगा। तो अगर हमारे जो पेशेंट है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन IgG में कोई डिफेक्ट है, तो उसकी फेगोसाइटिक प्रोसेस डिफेक्टिव होगी और बैक्टीरिया को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा इम्यून सेल, और डिजीज प्रोग्रेस होती रहेगी। तो देखिए, ये बैक्टीरिया है, इसको कॉम्प्लीमेंट C3b और इम्यूनोग्लोबुलिन कोट करेगा, तो ही वो फेगोसाइटिक सेल के अंदर जा सकेगा और तभी फेगोसाइटोसिस होगा। हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफाज, हमारे जो भी सेल होते हैं बॉडी में, वो कोई भी अच्छी या खराब कंडीशन होने से बहुत सारे साइटोकाइन लिबरेट करते हैं। साइटोकाइन का मतलब है सेल का बातें करना। सेल कैसे बातें करेंगे? अगर उनको सही नहीं लग रहा है, दे विल लिबरेट interleukin-1, interleukin-6, prostaglandin-E2, MMP। जिससे क्या होगा, जिससे जो हमारी इन्फ्लेमेटरी अगर प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगी। और इसी तरह से दे लिबरेट प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट। सो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि हाइपर एक्टिव मैक्रोफाज, तो जब साइटोकाइंस लिबरेट होंगे तो मैक्रोफाज एक्टिवेट होगा, उससे क्या होगा कि जो हमारा जो बोन सेल है, मल्टी न्यूक्लेटेड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा, जिससे कि बोन का रिजॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर ये हाइपर रिस्पॉन्सिव है, जितना रिस्पॉन्स उसे देना चाहिए था उसे बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्स दे रहा है, तो थोड़े से साइटोकाइन से भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन होगा, तो इसे कहते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफाज। अब क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस से? क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस इट इज सीन इन एडल्ट एज, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस इज सीन इन यंग एजेस। रेट ऑफ प्रोग्रेशन जो क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस में वो स्लो है, एग्रेसिव में बहुत फास्ट है। डिस्ट्रक्शन कोरिलेट विद द अमाउंट ऑफ प्लाक, जितना प्लाक होता है नॉर्मली उतना ही डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस में, लेकिन ऐसा एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ प्लाक डिपोजिशन होता है। नाउ होस्ट रिस्पॉन्स, होस्ट रिस्पॉन्स क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस में नॉर्मल होता है ज़्यादातर के पेशेंट में, और एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में होस्ट रिस्पॉन्स हमारा डिफेक्टिव है। फैमिलियल एग्रीगेशन, यानी कि ये जेनेटिक बेसिस क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस का नहीं होता है, जबकि एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस इट इज़ रनिंग इन द फैमिली। क्लासिफिकेशन, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस के क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाई किया जाता है लोकलाइज और जनरलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। लोकलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस ये सरकम प्यूबर्टल यानी
अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी देखी जाती है। रोबस्ट सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, लोकलाइज एग्रेसिव में क्या होता है, रोबस्ट यानी एकदम चुस्त सा रिस्पॉन्स होता है, सीरम एंटीबॉडी, इसका मतलब जो एंटीजन आता है हमारी बॉडी में तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए जाते हैं और इस एंटीजन को कंट्रोल कर लिया जाता है, और इसी वजह से ये डिजीज़ सेल्फ अरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही ये बैक्टीरिया आता है, इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में, इसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बनते हैं और इस एंटीजन को कंट्रोल कर लिया जाता है। लोकलाइज फर्स्ट मोलर इंसाइजर प्रेजेंटेशन विद इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस ऑन एटलीस्ट टू परमानेंट टीथ, एटलीस्ट दो परमानेंट टीथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वन ऑफ विच इज मोलर, मैंडिबुलर मोलर। नाउ बर्न आउट फिनोमेना, बर्न आउट फिनोमेना का ये मतलब है कि हर केस जो लोकलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस के होते हैं वो जनरलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में नहीं कन्वर्ट होते। जनरलाइज एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस एटलीस्ट थ्री परमानेंट टीथ अदर देन फर्स्ट मोलर एंड इंसाइजर एंड यूजली अफेक्टिंग पर्सन अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, बट पेशेंट में भी ओल्डर। पुअर सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, यानी जो एंटीबॉडी जो एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेंगे वो बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स रहेगा उसका, इसी वजह से ये डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी और एपिसोडिक नेचर रहेगा डिजीज़ का। पुअर सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, एंटीजन जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ईटियोलॉजी, व्हाट इज़ द ईटियोलॉजी, क्यों होती है ये डिजीज़, फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल ईटियोलॉजी, जेनेटिक एस्पेक्ट एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। सबसे पहले हम बैक्टीरिया देखते हैं, इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल, यानी कि एक फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है डिजीज को होने में, ये मल्टीफैक्टोरियल है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक होस्ट जीन्स एंड एनवायरमेंट। तो बैक्टीरिया जो इसमें एसोसिएटेड है, ज़्यादातर इसमें 90% ऑफ द केसेज में ग्राम नेगेटिव एनरोबिक रॉड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम इसमें एग्रीगेटिव बैक्टर एक्टिनोमाइसिटन कॉमिटान इन्वॉल्व है सॉरी, या पी जिंजिवेलेस इन्वॉल्व है, अदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसका इटियोलॉजिकल बैक्टीरिया एग्रीगेटिव बैक्टर और पोरफायरोमोनो जिंजिवेलेस होता है। अब क्या है ये बैक्टीरिया जो इतना एग्रेसिव है, तो ये एक स्मॉल शॉर्ट स्ट्रेट और कर्व्ड नॉन मोटाइल रॉड है जो कि ग्राम नेगेटिव है और एनारोबिक है, और जब हम इसको कल्चर करते हैं तो ये वाइट ट्रांसलूसेंट, देखिए वाइट ट्रांसलूसेंट स्मूथ नॉन हिमोलिटिक कॉलोनी इन ब्लड एगार बनाता है, और वाइट और क्या कहते हैं ये स्टार शेप इंटरनल पैटर्न भी बनाता है जो इस कॉलोनी का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें विरुलेंस फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसी क्या खास बात है इस बैक्टीरिया में कि जो डिजीज़ इतनी एग्रेसिव होती है, तो ये बैक्टीरिया इतना एग्रेसिव डिजीज़ इसलिए करता है, पहली बात ल्यूकोटॉक्सिन, जैसा कि मैंने बताया था कि डिजीज़ तब होगी इनमें से जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि एंड रिजल्ट क्या है, बैक्टीरिया जीतेगा तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, डिजीज़ ज़्यादा होगी, इम्यून सेल जीत अगर वॉर को विन करेंगे तो दैट मीन्स जो इन्फ्लेमेशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी, डिजीज़ रुक जाएगी। फर्स्ट इज ल्यूकोटॉक्सिन, ये न्यूट्रोफिल को किल करने के लिए एक ल्यूकोटॉक्सिन बनाता है जिससे कि न्यूट्रोफिल का और मैक्रोफेजेस को किल कर दिया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया ज़्यादा फ्लरिश हो और इसको कोई कंट्रोल ना कर सके। दूसरा एंडोटॉक्सिन, ये क्या करता है, इसको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन चाहिए, इन्फ्लेमेशन होगी तो टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा, और जो टिश्यू का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होंगे, जो कोलेजन होगा, जो बोन के कॉम्पोनेंट होंगे, ये उस पर सर्वाइव करता है, वो उसका एनर्जी सोर्स है, तो ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो टिश्यूज़ की, इसलिए ये एंडोटॉक्सिन लिबरेट करता है जिससे कि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो। बैक्टीरियोसिन, ये दूसरे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इम्यूनोसप्रेसिव है, ये नहीं चाहता इम्यूनोग्लोबुलिन बने जिससे कि इसकी ऑप्शनाइजेशन हो, कोलाजिनेज, ज़्यादा से ज़्यादा कोलाजन का ब्रेकडाउन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर बैक्टीरिया ये फ्लरिश होगा क्योंकि उसको इजीली फूड अवेलेबल हो जाएगा। कीमोटैक्टिक इनहिबिटिंग फैक्टर, ये कीमोटैक्टिक इनहिबिटिंग फैक्टर में इनहिबिट न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, ना तो न्यूट्रोफिल आएंगे ना तो इसके साथ वॉर होगी। नाउ पैथोजेनेसिस, ये मैंने एक डायग्राम इजी ये डायग्राम मैंने बनाया है क्योंकि इजी है बहुत ड्रॉ करने में। यहाँ पे लाइपोपॉलीसेक्राइड है बैक्टीरिया के जो कि मैक्रोफाजेस और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ऑस्टियोक्लास्ट, देखिए मल्टी न्यूक्लेटेड बनाया है मैंने, ये एक्टिवेट होगा जिससे कि बोन का रिजॉर्प्शन होगा, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एक्टिवेट हो रहे हैं जिससे कि कोलेजन का डिस्ट्रक्शन होगा।
अब ये एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, जब हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारे ये कॉम्पोनेंट होते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड जिसे हम बोल रहे हैं। तो जब तक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है ये उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो ये जो उसकी जो मेम्ब्रेन में थे छोटे छोटे टुकड़े, तो ये लिबरेट हो जाते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, और ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है जो मेम्ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से हैं, ये मैक्रोफाज के पास जाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है। तो क्यों ये डिजीज इतनी एग्रेसिव है कि जब तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, अलाइव होता है, तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन करता है, न्यूट्रोफिल को किल करता है, न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस नहीं होने देता, कोलेजन का डिग्रेडेशन होता है। ना सिर्फ जब ये लाइव होता है तब, जब इसकी डेथ हो जाती है तो भी ये लाइपोपॉलीसेकेराइड लिबरेट करके इन्फ्लेमेशन करता रहता है, जिससे कि आज की आने वाली जो प्रोजेनी है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई मिलती रहे। तो देखिए, इसका लाइपोपॉलीसेकेराइड जब मैक्रोफाज के पास जाएगा, फिर बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन एक्टिवेट होंगे, जिससे कि इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। तो क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ एग्रीगेटिव बैक्टर होने से वुड बी रिकॉर्डेड एज इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन? तो क्या एग्रीगेटिव बैक्टर मिलने से हमें इंटरवेंशन अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये जो स्टडी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी से ये पाया कि जो बैक्टीरिया है ये पांच टाइप का होता है, ए बी सी डी एंड ई, और इन पांच टाइप में से ए और बी ही एग्रेसिव पेरिडोनटाइटिस करते हैं, ए एसोसिएटेड होता है क्रॉनिक पेरिडोनटाइटिस के साथ। तो देखते हैं ये सीरोटाइप होता क्या है। एस फॉर सीरोटाइप, एस फॉर सरफेस एंटीजन, यानी कि इसके सरफेस की कुछ खास बातों की वजह से हमने इसको एक बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी एंड ई, और इसके सरफेस करेक्टरिस्टिक की वजह से ही हमने इसको जो डिवाइड किया है ए बी सी डी ई। तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही अगर सीरोटाइप पाया जाता है तो ही हम कह सकते हैं कि डिजीज होगी या नहीं होगी। जैसे कि ए और बी एसोसिएटेड होते हैं एग्रेसिव पेरिडोनटाइटिस से, और ए होता है लोकलाइज सॉरी क्रॉनिक पेरिडोनटाइटिस से। क्यों, क्या बात है कि ये डिजीज़ जो अपने आप अरेस्ट हो जाती है? तो ये हाइपोथेसिस है, ये जो दी गई हैं ये मैंने कैरेंजा बुक में से ली है। और क्या हाइपोथेसिस है, क्यों ये डिजीज़ रुक जाती है? तो पहला हाइपोथेसिस है कि जब ये बैक्टीरिया इनिशियल कॉलोनाइजेशन के बाद एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी में से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिससे कि बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाएगा, फर्स्ट हाइपोथेसिस है। सेकेंड हाइपोथेसिस है बैक्टीरिया एंटागनिस्ट, यानी इसके एंटागनिस्ट कुछ बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर लेंगे ओरल कैविटी को और ये बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मे बी ये हो सकता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो अपनी जो ल्यूकोटॉक्सिन यानी जो न्यूट्रोफिल को किल कर रहा था वो एबिलिटी खो देगा टाइम के साथ। या दूसरा डिफेक्ट इन सीमेंटम फॉर्मेशन, जो सीमेंटम है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और जगह पर कॉलोनाइज नहीं हो पा रहा है। जेनेटिक बेसिस ऑफ द डिजीज, ये डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है अफ्रीकन अमेरिकन में और कोकोशियंस में, और ये डिजीज़ होती है हमारे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी म्यूटेशन, कुछ ऐसे चेंज आते हैं हमारी बॉडी में जिससे कि, जैसे कि मैंने ये बर्ड बनाया है, इसकी जो बीक थी उसमें म्यूटेशन हुआ और ये हाथी की सूंड बन गई। तो कुछ हमेशा म्यूटेशंस होते रहते हैं बॉडी में, कुछ म्यूटेशन ठीक हो जाते हैं टाइम के साथ, कुछ म्यूटेशन ठीक नहीं होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म सफर फ्रॉम सर्टेन नंबर ऑफ म्यूटेशन, सब ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होते हैं, और वो इंटरेक्शन होते क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। और ये सब म्यूटेशन दे आर नॉट रिपेयर्ड एंड दे माइट बी इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। एक ऐसा ही म्यूटेशन है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि IgG क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को कोट करता है तो ही उसका बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस होता है और वो किल हो पाता है। अगर हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जब ये सॉस ही डिफेक्टिव होगी तो बैक्टीरिया का ऑप्शनाइजेशन नहीं होगा। तो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है तो इन पेशेंट में एग्रेसिव पेरिडोनटाइटिस के होने की ज़्यादा संभावना होती है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है FCGR2A, जो कि
दे आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रेन्युलोसाइट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्लेटलेट एंड एंडोथीलियल सेल. और इस वजह से, इसके जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से फेगोसाइटोसिस डिफेक्टिव होगा और सीवियर टाइप ऑफ पेरिडोंटाइटिस होगा. अदर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कोलेजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाना, स्पेसिफिक डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाना, या इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाना, या फिर एचएलए एंटीजन विच रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल एचएलए A9 एंड B15. और इट इज इन अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर इज स्मोकिंग. डायग्नोसिस, हाउ द डिजीज इज डायग्नोज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल, डेंटल, डेंटल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेरिडोंशियम, रेडियोग्राफिक एंड माइक्रोबायोलॉजी. प्रोग्नोसिस, अगर डिजीज को जल्दी डायग्नोज किया जाता है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस. एडवांस डिजीज, प्रोग्नोसिस कैन स्टिल बी गुड इफ द लीजन इज ट्रीटेड विद स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, सिस्टमिक एंटीबायोटिक एंड रिजनरेटिव थेरेपी. पुअर, अगर हम होस्ट रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट का इम्पेयर होस्ट रिस्पॉन्स है, यानी कि न्यूट्रोफिल डिफेक्टिव है, कीमोटैक्सिस उसका डिफेक्टिव है, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं, तो पुअर प्रोग्नोसिस रहेगा पेशेंट का. प्रोग्नोसिस इस पर भी डिपेंड करता है, डिजीज जनरलाइज है या लोकलाइज है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना है, एबिलिटी टू फर्दर कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. सबसे पहले हमें ओरल हाइजीन इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है, स्केलिंग और थोरो स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग पर, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड पेरिडोंटल सर्जरी. नॉन सर्जिकल, एंटीमाइक्रोबियल एंड सर्जिकल. नॉन सर्जिकल में पेशेंट को हमें एजुकेट करना है, स्केलिंग, रूट प्लानिंग, ओरल हाइजीन इम्प्रूवमेंट, रेगुलर रिकॉल मेंटेनेंस. द रिस्पॉन्स ऑफ द डिजीज टू कन्वेंशनल थेरेपी अलोन हैज बिन लिमिटेड, क्योंकि हम जानते हैं जो बैक्टीरिया है बहुत ही अग्रेसिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है. अगर सिर्फ जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी बोनी वॉल बची है. अगर सिर्फ एक बोनी वॉल बची है तो हम उसे रिसेक्टिव सर्जरी करेंगे. अगर कप शेप डिफेक्ट है, यानी थ्री वॉल डिफेक्ट है, तो हम रीजनरेटिव सर्जरी करेंगे. वी विल बी डूइंग बोन ग्राफ्टिंग एंड गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन. और हमने जब इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा रीजनरेटिव उसका पोटेंशियल देता है. एंटीबायोटिक, द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इज गाइडेड बाय द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम करेंगे कल्चर से. अगर कल्चर करने के बाद ग्राम पॉजिटिव आता है तो ऑगमेंटिन देते हैं, ग्राम नेगेटिव होगा तो क्लिंडामाइसिन देंगे, और अगर एनरेबिक है तो मेट्रोनिडाजोल या कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोनिडाजोल एंड अमोक्सिसिलिन. सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस. थैंक यू.